अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल नेवी चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर GTA Vice City को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेमेंट के। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो गेम है ये पेड गेम है और इसके लिए आपको तकरीबन 500 रुपये जो है वो पे करने पड़ते हैं गूगल स्टोर के ज़रिए, तब आपको ये गेम जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप ये पे किए बगैर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर GTA Vice City को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि मैंने अपनी मोबाइल के अंदर इस गेम को इंस्टॉल कर रखा है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, तो ये गेम मैंने इंस्टॉल की हुई है और इसको मैं खेलता भी हूँ और मैंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की है। तो मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि ये मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ये कम्प्लीटली तौर पर जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पर ये पड़ी हुई है, इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे चलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मोबाइल मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर मैंने इसके GTA Vice City के चीट्स भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप ये एप्लीकेशन जो है ये भी पेड है, तो ये भी मैंने इंस्टॉल की हुई है और इससे मैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ही अपनी गेम के अंदर जो चीट्स हैं वो लगा देता हूँ और गेम को इन्जॉय करता हूँ। तो अगर ये चीट्स आपने इंस्टॉल करने हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप ये चीट्स जो हैं ये इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा जिसके अंदर मैं ये चीट्स इंस्टॉल करूंगा, आप वहां से देखकर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और हम सीधे जाते हैं यूसी ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से आपने आ जाना यूसी ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर आप गूगल को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे यहाँ पर आपने लिखना है android1.com। तो यहां से मैं लिख लेता हूं android1.com GTA Vice City। ये मैंने देखे आप सर्च कर रखा है तो आप यहां से सर्च कर लीजिए। इस तरह का डैश भी डालनी है इसमें GTA Vice दूसरे नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा, तो इस तरह का आपने सर्च करना है और उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहां पर पहले नंबर पर आप देख सकते हो कि एक वेबसाइट है जिसका नाम android1.com है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस कुछ इस तरह का जो है आपके पास विंडो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, नीचे आते जाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो Vice City मॉड मनी एमओ नो रीलोड। तो ये जो है ये इसका APK है, तो ये भी आपने इंस्टॉल करना है। जबकि नीचे आप देख सकते हो कि डाउनलोड OBB फाइल, तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से इंस्टॉलेशन इसकी जो है वो बाद में होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करनी है आपने। तो ये दो चीज़ें जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके यूसी ब्राउज़र के फोल्डर के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगी। इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पर यूसी ब्राउज़र होगा, इसको ओपन करिए। तो यहाँ पर आपके पास ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का इस तरह का एक APK पड़ा होगा। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप यहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी फाइल होगी OBB की फ़ाइल वो भी आपको यहां पर मिलेगी।
तो यहाँ पर वो भी मौजूद होगी, जबकि मैंने तो यहाँ से इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी। तो इस तरह की एक OBB फाइल होगी जो आपको यहाँ पर डाउनलोड हुई हुई मिलेगी। तो आपने उसको क्या करना है, वो एक आर्चीव फाइल होगी, जिसको मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिप फाइल होगी। तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, अगर आपको एक्सट्रैक्ट करने का नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम जेड आर्चीवर है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद दो फाइल्स होंगी एक फ़ोल्डर के अंदर, वो आपको जाके यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आके, यहाँ से एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर के अंदर आकर OBB आपको ये देखने को मिल रहा होगा। इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर आपको कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर देनी है यहाँ पर। जैसा कि आप ये देख सकते हो, लास्ट नंबर पर पड़ी हुई है com.rockstargames.gta.vice.city। तो इस तरह का फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ये देख लीजिए इस तरह का होगा। वो पेस्ट करने के बाद जो APK होगा वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, आपको पहले इंस्टॉल कर लीजिए या बाद में इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद जो है आप अपनी GTA Vice City को यहाँ से रन कर सकते हैं, आपकी गेम डेफिनेटली प्ले होगी। तो इस तरह से आप जो है बगैर किसी पेमेंट के जो GTA Vice City है उसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं 73% व्यूअर्स जो हैं वो नॉट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वीडियो को वॉच करते हैं। तो यार आई नो कि मेरे चैनल के ऊपर इतनी अच्छी प्रोफेशनल वीडियोस नहीं आती हैं, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं उस तरह से अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।